नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय माड़ी। स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ज्ञान इन्फिनिटी में। आज के वीडियो का टॉपिक है सिम कार्ड क्लोनिंग क्या होती है, इसे कौन यूज़ करता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिम कार्ड क्लोनिंग एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आपके सिम कार्ड की हूबहू दिखने वाली सिम कार्ड की कॉपी की जाती है और आपका सारा डाटा उसमें डाल दिया जाता है ताकि आप पर कोई भी स्पाई कर सके। तो इसमें होता क्या है, आपके सिम कार्ड की डाटा इसमें डाला जाता है और आप पर कोई भी स्पाई कर सकता है। तो इसे कौन यूज़ करते हैं मैं आपको बताऊंगा। इसे यूज़ करते हैं ब्लैक हैकर्स। अगर आपको पता नहीं है ब्लैक हैकर्स क्या है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं शॉर्ट में आपको बता दूँ, ब्लैक हैकर्स वैसे लोग होते जो सारे इलीगल काम करते हैं। ऐसे तो हैकर्स इलीगल ही होते हैं पर कुछ लीगल हैकर भी होते हैं जिन्हें हमें वाइट हैकर्स बोलते हैं या फिर इन्हें हम इथिकल हैकर्स भी बोलते हैं। तो हमारा टॉपिक है सिम कार्ड क्लोनिंग क्या होता है, तो चलिए जान लेते हैं कैसे काम करता है। तो फ़ोन आता है दोनों सिम कार्ड पर, ओरिजिनल पर भी और क्लोन में भी। तो होता क्या है, दोनों पर कॉल आएगी तो इनमें से कोई एक ही उसे आंसर कर सकता है। तो इसे टू स्टेप वेरिफिकेशन से बाईपास किया जाता है। इसमें होता क्या है, लोगों के कॉल्स और एसएमएस की कॉपी निकालने के लिए या उनके कॉल्स और एसएमएस को स्पाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आपको क्लियर समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक समझाता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने उसके पापा का सिम कार्ड क्लोन कर लिया था क्योंकि उसके पापा उस डाटा भी बहुत कम यूज़ करते थे। इसलिए उसको लगा कि मेरे पापा कम डाटा यूज़ करते हैं इसलिए मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। उसने ऐसा किया भी। जब उसके पापा को पता चला कि मेरा डाटा या इतना 1 GB डाटा खा जाता है, तो उसने पापा ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि मैंने आपका सिम कार्ड क्लोन किया था। तो वो तो बच गया, पर आपने ऐसा कुछ किया दूसरे के साथ तो आप 3 साल जेल में जा सकते हैं या आपको जुर्माना हो सकता है या आपको दोनों हो सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा सिम कार्ड अगर क्लोनिंग आपके साथ हो रही तो आप इससे कैसे बच सकते हैं या आपको कैसे पता चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आपके सिम कार्ड पर कॉल आएगी दोनों पर आएगी पर इसे कोई एक ही रिसीव कर सकता है। अगर आपका सिम कार्ड बार बार कॉल ड्रॉप कर रहा है तो आप समझ लेना कि आपका सिम कार्ड क्लोन हो चुका है। अगर आपका कॉल 1 या 2 बार ड्रॉप होता है तो आप ऐसा मत समझिए कि आपका सिम कार्ड क्लोन हो चुका है, क्योंकि कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, उससे कॉल ड्रॉप हो सकता है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपका या कोई सिम कार्ड क्लोन करना चाहता है तो वो फिजिकली सिम कार्ड प्रेजेंट होना चाहिए तभी वो सिम कार्ड क्लोन कर सकता है, वैसे तो फिर सिम कार्ड क्लोन नहीं हो सकता। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।